हेलो फ्रेंड्स, अचार खाना सभी को बहुत पसंद है, लेकिन अगर अचार सिर्फ 2 मिनट में बन जाए और एक बार बनाकर कई महीने तक चल जाए तो इससे मज़े की बात क्या ही होगी। और ये जो अचार है बरसात में बहुत टेस्टी लगता है। जैसे बारिश शुरू होने वाली है तो मैक्सिमम जो अचार हैं वो बारिश के दिनों में ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये जो रेसिपी मैं आज दे रही हूँ आपको इतनी बढ़िया है कि आप बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कभी भी इसे बनाकर खाएं। एक तो 2 मिनट में बनता है और कभी भी ख़राब नहीं होता, गारंटीड। तो अचार बनाने के लिए हरी मिर्ची ली है मैंने, हल्के तीखे वाली। आपको जैसी भी मिर्ची पसंद हो आप उन्हें ले सकते हैं। तो 200 ग्राम मिर्ची के हिसाब से मैं आज आपको पूरा मेजरमेंट दूंगी मसालों का। तो हल्के तीखे वाली हरी मिर्ची ली है मैंने, इन्हें रफली टुकड़ों में कट किया, मिक्सी के जार में डाला और पल्स मोड पर 2 बार ऐसे चलाया। तो 30-30 सेकेंड के लिए आप मिक्सी के जार को नॉर्मल भी पीस सकते हैं या फिर पल्स मोड पर भी इसे पीस सकते हैं। तो सिर्फ 2 बार ही मिक्सी के जार को चलाना है आपने, उसके बाद आपको मिर्ची ऐसी मिलेगी। तो फाइन पेस्ट बिल्कुल ना बनाए, हल्का सा टुकड़ा इनमें मिर्ची का है तभी अचार स्वाद बनता है। तो इसमें काटने पीटने का कोई झंझट ही नहीं है, क्विक सी अचार की रेसिपी है, 2 मिनट में बनकर तैयार होगी। अब एक कढ़ाई में डालेंगे 3 टेबलस्पून सरसों का तेल। तेल को बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स और 1 छोटा चम्मच सरसों के दाने यानी कि मस्टर्ड सीड्स और 1 छोटा चम्मच फेनल सीड्स यानी कि सौंफ के दाने और 1/2 छोटा चम्मच सूखा धनिया यानी कि कोरिएंडर सीड्स, 1/4 चम्मच नाइजेला सीड्स यानी कि कलौंजी। इससे बड़ा अच्छा अचार ही फ्लेवर अचार का आता है, बहुत टेस्टी लगता है, इसे ज़रूर डालना है। और हींग भी ज़रूर डालेगा 2 से 3 चुटकी। अब गैस की फ्लेम यहाँ पर धीमी है और 1/2 चम्मच के करीब डालेंगे हल्दी का पाउडर और धीमी आंच पर सारे मसालों को 30 सेकंड के लिए भूनेंगे। तो ये जो अचार है बारिश के दिनों में खासकर बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि बारिश में क्या होता है ना, चटपटा खाने का मन करता है। तो आप ये अचार बनाना, इसे पकौड़ों के साथ भी खाओगे तो बहुत मज़े का लगता है, रोटी पूरी पराठा चावल के साथ तो बहुत शानदार ये लगता ही है। अब सारे मसालों को भूनने के बाद गैस की फ्लेम कर दे बंद और ये जो कुटी हुई मिर्ची है ये इसमें डालें। आप इन मिर्ची को ना, जैसे मैंने मिक्सी के जार में कूटा है, आप मिक्सी के जार की जगह इमाम दस्ते में कूट कर भी तैयार कर सकते हैं। ट्रेडिशनली ये अचार इमाम दस्ते में कूट कर ही बनाया जाता है, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैंने मिक्सी के जार का इस्तेमाल करके इन्हें इस तरीके से पीस लिया है। लेकिन बिल्कुल फाइन पेस्ट ना बनाएं, इस बात का ध्यान रखें। आप देख रहे हैं कि हल्की हल्की मिर्ची इसमें है। अब थोड़ी सी देर इन्हें भूने, उसके बाद डालेंगे 1/2 चम्मच धनिया का पाउडर, नमक स्वाद के हिसाब से डाला मैंने इसमें, और 1/2 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्ची, और 2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे विनेगर यानी कि सिरका, गन्ने का सिरका या फिर आप रेगुलर सिरका जो होता है वो डालें, जिसमें चाउमीन बनती है ना वही वाला, ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करता है, आपका अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ाता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा ये सिरका। या फिर इसकी जगह नींबू का रस भी आप डाल सकते हैं। ये दोनों चीज़ें में से जो भी आप डालते हैं गैस की फ्लेम बंद करने के बाद आपको डालना है, अच्छे से मिलाना है, और ये फटाफट से हमारा चटपटा टेस्टी स्टोरेबल अचार बनकर हो गया तैयार। इसे बिल्कुल ठंडा करें, उसके बाद आप इसे फ्रिज में स्टोर करिएगा, क्योंकि बरसात के दिनों में अचार खराब होने के चांसेस रहते हैं, फंगस लग जाती है, फुई वगैरह लगने का डर रहता है, इसलिए आप इसे फ्रिज में ही स्टोर करना, बहुत मजे का, कई महीनों तक ये चलता है। तो चटपटा टेस्टी इंस्टेंट स्टोरेबल अचार हमारा बनकर तैयार है, वो भी झटपट सा। मैंने यहाँ पर हल्की तीखी मिर्चों का इस्तेमाल करके इसे बनाया ताकि बच्चे भी इसे इंजॉय करें। अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप रेगुलर मिर्ची के साथ आप इसे बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। या फिर आधी आप तीखे वाली मिर्ची ले लें, आधी रेगुलर मिर्ची के साथ आप इसे बनाइएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगा।